हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एल्किल हैलाइड की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड कहिए या हैलो एल्किन कहिए, बात बराबर है। देखिएगा इसमें हम दो इक्वेशन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, एक आपको पढ़ाए हैं कि एल्किल हैलाइड आपका पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करता है तो एल्किल साइनाइड बनाती है, प्लस आपका के एक्स बाहर निकल जाता है। इसका नाम हमने क्या बताया था, एल्किल साइनाइड। या हम कहे थे कि इसका आईपीसी नाम साइनो एल्केन होता है, ये हम पढ़ा चुके थे। इसका एग्जाम्पल हमने दिया था CH3 CH2 Cl प्लस KCN अभी बाहर रहो इज इक्वल टू CH3 CH2 Cn प्लस KCN। इसका नाम हम आपको बताए थे एथिल साइनाइड लिखिए या साइनो एथेन लिखिए, साइनो एथेन। दूसरा इक्वेशन हमने आपको पढ़ाया था एल्किल हैलाइड पर AgCN का रिएक्शन, और इसके लिए हम आपको बताए थे RnC प्लस AgOx अर्थात इसका नाम हम आपको बताए थे एल्किल आइसो साइनाइड आपको बताए थे, या आइसो साइनो एल्केन बताए थे, आइसो साइनो एल्केन बताए थे। एग्जाम्पल के रूप में CH3 CH2 Br प्लस AgCN लिए तो क्या बन गया था हमारा CH3 CH2 Nc प्लस AgBr अर्थात आइसोसाइनोएथेन या एथेन आइसोसाइनाइड, एथेन आइसो साइनाइड। समझ में आए, इतना आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब अगला इक्वेशन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइड पर, क्या पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइड पर जलीय KOH NaOH AgOH की क्रिया। तो गौर से देखिएगा, यही आपका एल्किल हैलाइड है RX। इस एल्किल हैलाइड पर आप KOH लीजिए या NaOH लीजिए या AgOH लीजिए,
और इसका माध्यम सदैव कैसा रहेगा? जलीय होगा, अर्थात एक्वस होगा। एक्वस होगा और जली होगा तो सदैव क्या बनेगा बाबू? आर ओ एच प्लस के एक्स या एन ए एक्स बचेगा या आपका ए जी एक्स बचेगा और बना आपका प्रोडक्ट क्या बना? एल्कोहल। अर्थात ये आप लोग सदैव याद रखिएगा कि एल्किल हैलाइड पर जलीय के ओ एच या एन ए ओ एच या ए जी ए ओ एच का रिएक्शन होता है तो सदैव एल्कोहल ही प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह इक्वेशन है, फिर गौर से समझिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि एल्किल हैलाइड पर जलीय के ओ एच एन ए ओ एच या ए जी ए ओ एच का रिएक्शन होता है तो सदैव एल्कोहल ही बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे CH3CH2Br हमने ले लिए, इस पर KOH का रिएक्शन करा रहे हैं और यह हमारा KOH कैसा है बाबू? जलीय है। कैसा है? जलीय है। तो हमको मिलेगा क्या बाबू? CH3CH2OH प्लस KBr। देखिए बन क्या हमारा गया? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यदि हम CH3CH2Br प्लस NaOH और ये हम क्या ले ले बाबू? ये भी हमारा जलीय होगा तो क्या बनेगा हमारा? CH3CH2OH प्लस NaBr। इसी प्रकार से अगर हम CH3CH2Br प्लस AgOH हम ले लें और ये भी हमारा कैसा हो बाबू? जलीय हो तो क्या बनेगा बाबू? CH3CH2OH प्लस AgBr। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए हमने जलीय लिख दिया है, अगर इसके स्थान पे आप लोगों को H2O लिख दे तब H2O लिख दे तब तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि सर ऐसा है जलीय जलीय लिखे थे और यहाँ तो H2O लिख दिया है, तो आप लोग इस भेव में मत पड़िएगा। जलीय का मतलब H2O ही होता है। अब चौथा नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा, एल्किल हैलाइड पर एल्कोहलिक के ओ एच या एन ए ओ एच की क्रिया। अभी तीन प्रकार से और परीक्षा में पूछेगा, एल्किल हैलाइड का बी हाइड्रोजनीकरण तीसरा कह देगा बाबू, एल्किल हैलाइड का विलोपन
चौथा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कह देगा सेट जेफ अभिक्रिया, सेट जेफ, जेफ लिखिए या जेफ लिखिए, सेट जेफ अभिक्रिया। जेड ई डबल एफ सेट जेफ रिएक्शन। इसका होता है डिहाइड्रोजिनेशन। इसका होता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक, तो देखिएगा यही कही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछेगा, चार प्रकार से पूछेगा। एल्किल हैलाइड पर एल्कोहलिक के ओ एच या एन ए ओ एच की क्रिया, एल्किल हैलाइड का बी हाइड्रोजनीकरण अर्थात डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ हैलो एल्केन, फिर आपको पूछ देगा एल्किल हैलाइड का विलोपन अर्थात एलिमिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और आपसे पूछ देगा कि सेट जेफ अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? तो इतने प्रकार से आपसे पूछ देगा, अर्थात एल्किल हैलाइड लिख रहे हैं आर एक्स, एल्किल हैलाइड या इसी को आप हैलो एल्केन भी आप लोग कहते हो, इस पर एन ए ओ एच या के ओ एच का रिएक्शन हो रहा है। ठीक, और यह किसकी उपस्थिति में हो रहा है बाबू? एल्कोहल की उपस्थिति में हो रहा है, तो एल्कोहलिक। क्या बाबू? एल्कोहलिक। इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है परीक्षा में, C2H5OH। क्यों? एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक, एल्कोहलिक लिख देगा तो बनेगा आपका एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, प्लस आपका बाहर निकल जाएगा या तो आपका NaX बाहर निकलेगा या तो आपका KX बाहर निकलेगा। समझ में आ गया? प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, यानी सी डबल बॉन्ड सी। क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी बनेगा, और को प्रोडक्ट के रूप में आपका एन ए एक्स बनेगा, और क्या बनेगा बाबू? के एक्स बनेगा। इसमें से एच टू ओ भी निकलेगा, प्लस एच टू ओ। क्या निकलेगा? एच टू ओ भी निकलेगा। अब गौर से समझिएगा, अब यहां से आपका क्या होगा बाबू? एक्स जो है या तो एन ए के साथ आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा बाबू? एन ए के साथ आ जाएगा या के साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया? और इसका एक हाइड्रोजन एटम इस ओ एच के साथ आ जाएगा या इस ओ एच के साथ आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं, देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। सी एच थ्री सी एच टू बी आर, क्या नाम है बाबू? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड पर हम एन ए ओ एच का रिएक्शन करा दें, एन ए ओ एच का रिएक्शन हो गया, और किस माध्यम में हो रहा है बाबू? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक माध्यम में हो रहा है। तो गौर से देखिएगा बाबू, ये ब्रोमीन आपका एन ए के साथ चला आया तो क्या बना लिया बाबू? एन ए बी आर बना लिया, प्लस देखिएगा यहां से एक एच, क्या बाबू? यहां से एक एच इस ओ एच के साथ आ गया तो क्या बना लिया बाबू? एच ओ एच अर्थात एच टू ओ बना लिया। समझ में आ गया? अच्छा, अब आपका बचा क्या? देखिएगा सी एच टू, सी एच टू बचा कि नहीं बचा? बचा आपका सी एच टू, सी एच टू बचा। तो इसका नाम क्या है बाबू? देखिए एल्कीन बन गया कि नहीं बन गया? इसी का नाम एथिलीन है। क्या नाम है? एथिलीन है। क्या नाम है? एथिलीन है। या इसको आप लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ऐसे ही प्रदर्शित करते हो ना? तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया?
तो देखिए क्या एल्कीन बन गया आपका। इसी प्रकार से के ओ एच है, के ओ एच से भी हम ले लें सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस के ओ एच। उपस्थिति क्या बाबू? एल्कोहलिक। क्लियर हो गया? अच्छा, तो फिर उसी प्रकार से कर दें, फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा बाबू? बोलिएगा के बी आर प्लस क्या आ जाएगा आपका बाबू? एच ओ एच अर्थात एच टू ओ प्लस क्या बचा बाबू आपका? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो याद रहेगा आप लोगों को, तो लिखवा दें। मिटा रहे हैं क्यों? समझ में आया है ना? पांचवा नंबर, यह आपका एल्किल हैलाइड है, बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तक तो हमको याद हो गया होगा क्यों। अब यह एजी एनओ टू से रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड पर एजी एनओ टू या के एन ओ टू का रिएक्शन जब कराएंगे तो बनेगा आपका आर एन ओ टू प्लस। बाहर आपका क्या निकल जाएगा? या तो आपका ए जी एक्स निकलेगा या आपका के एक्स निकलेगा, ए जी एक्स या के एक्स निकलेगा। और यह आपका नाइट्रो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रो कंपाउंड है, अर्थात नाइट्रो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बाबू आपका? नाइट्रो एल्केन बनेगा, अर्थात अगर इसका इक्वेशन ले रहे हैं तो सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस ए जी एन ओ टू का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका आर सी एच थ्री सी एच टू एन ओ टू प्लस ए जी बी आर। देखिएगा इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एथेन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो एथेन नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा? नाइट्रो एथेन नाम होगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से यदि सी एच थ्री सी एच टू बी आर ले लिए प्लस क्या ले लें? के एन ओ टू, तो क्या बन जाएगा बाबू आपका? बोलिएगा सी एच थ्री सी एच टू एन ओ टू प्लस के बी आर, फिर आपका नाइट्रोएथेन बन करके तैयार हो गया। देखिएगा इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा, सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस एन ए एन ओ टू से रिएक्शन होगा तो बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी एच टू एन ओ टू प्लस के बी आर। क्या नाम इसका हो जाएगा बाबू? अच्छा अच्छा, यहाँ एन ए बी आर एन ए बी आर। क्या बन इसका क्या नाम होगा बाबू आपका? सोडियम नाइट्राइट। उतार लीजिए। हो गया? अगला हम रिएक्शन करा रहे हैं छठवां नंबर, एल्किल हैलाइड पर
पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के एस एच, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करा रहे हैं। इसका एक और नाम है तो बनेगा आपका के एस एच प्लस आए, बनेगा आपका आर एस एच प्लस के एक्स। इसका नाम है मरकेप्टन। क्या नाम है बाबू? मरकेप्टन अर्थात एल्किल मरकेप्टन बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल मरकेप्टन। क्या बनेगा? एल्किल मरकेप्टन बनेगा। या इसी का एक और नाम है। क्या नाम है? एक और नाम है थायो एल्कोहल। क्या नाम है? थायो एल्कोहल अर्थात एल्किल थायो एल्कोहल बनेगा। समझ में आ गया? अच्छा, एल्कोहल का फार्मूला आप लोग क्या जानते हो? आर ओ एच, यह एल्कोहल है। थायो एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? आर एस एच, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, कोई परेशानी आप लोगों को? अब आइए, अब इसका हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस के एस एच ले लिए, रिएक्शन करा रहे हैं तो आर सी एच थ्री सी एच टू एस एच प्लस के बी आर। क्या नाम हो जाएगा बा बोलेगा? क्या नाम हो जाएगा? एथिल मरकेप्टन या एथिल थायो एल्कोहल। ठीक, लिख दें एथिल मरकेप्टन या क्या बाबू? एथिल थायो एल्कोहल। अच्छा, अब गौर से समझिएगा। यहीं एक चीज़ और जान लीजिए, हो सकता आगे आ जाए तो हाँ न बताऊँ पाऊँ या बता दूँ, याद पढ़ने वाली चीज़ है ना। अगर यही आर एस आर लिखा हो, ठीक, आर ओ आर लिखा हो, तो इसका क्या आप लोग नाम नहीं बता सकते हो? ये आपका थायो ईथर हो गया। क्या हो गया? यह आपका ईथर हो गया और यह आपका थायो ईथर हो गया। ये कहाँ हम लोग पढ़े हैं? इलेवेंथ में। हमको बारह में भी इसको पढ़ना है, लेकिन फार्मूला फार्मूला नहीं पढ़ना है। फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? इलेवेंथ में। जैसे देखिए, ये फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? दोनों ऊपर वाला जो अभी अभी बताएं इलेवेंथ में पढ़ चुके हैं, तो भी फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? इलेवेंथ में पढ़ चुके हैं। इसका केवल यहाँ यूज है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि आप लोगों को कभी ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। अगर ये फार्मूला याद है तो हम एथिल थायो ईथर मेथिल थायो ईथर प्रोपिल थायो ईथर हम बना सकते हैं। एथिल थायो एल्कोहल मेथिल थायो ईथर प्रोपिल थायो एल्कोहल कुछ भी हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? केवल अगल बगल सी एच थ्री सी टू एच फाइव हमको जोड़ना है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो ये चीज़ समझ में आया है तो उतार लीजिएगा आप लोग। कुछ भाषा नहीं बोले हैं, लिखिए। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया